सीन वन टेक टू एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका फ्रेंड उमर कुरैशी। हर हफ्ते की तरह आज भी मैं आपके लिए लाया हूं नए फिल्मों के मजेदार रिव्यूज। Also, a very happy Thanksgiving to our American patrons. इस मौके पर मैं आप लोगों को और भी थैंक्स कहना चाहता हूँ for making my show a big success. So let's get the party started. सिर्फ आज के the Zoom Review Show. इस हफ्ते Bollywood is coming out all guns blazing with the action film Bullet Raja. Interestingly, फिल्म का original title था जय राम जी की, लेकिन lead actor सैफ अली खान के कहने पर इसका title बदल दिया गया। इस मल्टी सारा फिल्म में सैफ को कंपनी दे रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा, जिमी शेरगिल, चंकी पांडे, रवि किशन, गुलशन ग्रोवर एंड विद्युत जामवाल। हॉलीवुड इज ऑल सेट टू डिलीवर द गुड्स दिस वीक विद डिलीवरी मैन। इस कॉमेडी ड्रामा में लीड रोल्स निभा रहे हैं विंस वॉन, क्रिस प्रैट एंड कोबी स्मल्डर्स। फिल्म को डायरेक्ट किया है केन स्कॉट ने एंड इज अ रीमेक ऑफ हिज ओन फ्रेंच कैनेडियन फिल्म स्टारबक। फ्रेंड्स, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। बुलेट राजा को डायरेक्ट किया है तिग्मांशु धूलिया ने। सैफ अली खान और सोनाक्षी सिन्हा पहली बार एक साथ नजर आएंगे अलोंग विद जिमी शेरगिल, चंकी पांडे, रवि किशन, गुलशन ग्रोवर एंड विद्युत जामवाल। अब देखना ये है कि ये राजा बॉक्स ऑफिस पर राज करेगा और विल बुलेट राजा बाइट द बुलेट। आइए पता लगाते हैं। A chance encounter between Raja Mishra and Rudra results in friendship between the two. Rudra के घर में गुंडों का हमला होता है और राजा उसके चाचा की जान बचाता है, लेकिन इसकी वजह से रुद्र एंड राजा एंड अप मेकिंग एनिमीज। खुद को और अपने करीबी लोगों को बचाने के लिए दे बोथ टेक टू अ लाइफ ऑफ क्राइम एंड आर नोन एज पॉलिटिकल कमांडोज। यूपी के स्टेट में राजा और रुद्र बहुत फेमस हो जाते हैं आफ्टर दे अलाइन देमसेल्व्स विद सीनियर पॉलिटिशियन राम बाबू, लेकिन उनके दुश्मनों की गिनती बढ़ती जाती है। किस तरह रुद्र और राजा अपने पावर को हैंडल करते हैं व्हाइल टेकिंग ऑन द एनिमीज फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ बुलेट राजा। सैफ अली खान नजर आएंगे टाइटल रोल में एज राजा मिश्रा। ही प्लेज द कूल एंड रिलीजियस गैंगस्टर माउथिंग कैची वन लाइनर्स। सैफ का रोल अच्छा है एंड ही गेट्स मैक्सिमम स्क्रीन टाइम। ह्यूमर हमेशा से उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है पर ही डजंट गेट टू शो दैट साइड अ लॉट, लेकिन उनके एक्शन स्टंट्स काफी अच्छे हैं। ये कहना पड़ेगा कि एक्शन अवतार में सैफ अली खान काफी जचते हैं और कूल भी हैं। जिमी शेरगिल निभा रहे हैं रुद्र का रोल। ही प्लेज सैफ्स बेस्ट फ्रेंड। जिमी की एक्टिंग काफी नेचुरल है एंड ही फिट्स द रोल वेरी वेल। उनका रोल उतना पावरफुल नहीं है जितना कि साहिब बीबी और गैंगस्टर में था, लेकिन एक सपोर्टिंग रोल में उनका काम बहुत बढ़िया है। सोनाक्षी सिन्हा प्लेज मिताली, अ सिंपल बंगाली गर्ल हु इज ऑल्सो अ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। शी इज क्वाइट कंफर्टेबल इन हर कैरेक्टर एंड प्रोवाइड्स अ रोमांटिक रिलीफ इन दिस अदरवाइज एड्रेनालिन फ्यूल्ड मेल डोमिनेटेड फिल्म। रवि किशन नजर आएंगे एज सुमेर यादव। ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ शार्प शूटर। रवि का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। ही लुक्स मेनेसिंग व्हेन नीडेड एंड ऑल्सो मैनेजेस अ फ्यू लाफ्स फॉर हिज ड्रैग गेटअप। विद्युत जामवाल निभा रहे हैं पुलिस ऑफिसर अरुण सिंह का रोल। ही इज कॉन्फिडेंट एंड इम्प्रेसिव येट अगेन विद हिज ऑसम एक्शन स्टंट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका रोल छोटा है। बुलेट राजा को डायरेक्ट किया है तिग्मांशु धूलिया ने। ही ऑल्सो शेयर्स द राइटिंग क्रेडिट अलॉन्ग विद अमरीश मिश्रा। इस फिल्म में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ज्यादातर तिग्मांशु की फिल्मों में नजर आते हैं, स्लिक एक्शन सीक्वेंसेस, इंगेजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक और यादगार डायलॉग। लेकिन उनकी फिल्मों की खासियत रही है स्टोरी और स्क्रीन प्ले, जो अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में बिलो पार हैं। प्लॉट में लूप होल्स हैं और रैंडमनेस भी एंड द कमर्शलाइजेशन इन दिस फिल्म इज वेरी फोर्स। तिग्मांशु ने हमेशा बेंचमार्क सेट किए हैं विद फिल्म्स लाइक हासिल, साई बीबी और गैंगस्टर एंड पान सिंह तोमर, बट दिस इज हिज मोस्ट एवरेज वर्क टू डेट। बुलेट राजा का म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद ने। डोंट टच माई बॉडी एक आइटम सॉन्ग है वेरी वेल रेंडर्ड बाय ममता शर्मा। इस गाने के लिरिक्स रॉन्ची और सजेस्टिव हैं, एम्ड एट द फ्रंट बेंचर्स। तमंचे पे डिस्को एक कूल पार्टी सॉन्ग है जिसे कंपोज किया है आरडीबी ने। इसके फैंटास्टिक वोकल्स दिए हैं आरडीबी, निंदी कौर और रफ्तार ने। गाना पेसी है और कोरस कैची है। सामने है सवेरा, एक मेलोडियस रोमांटिक गाना है ब्यूटिफुली सॉन्ग बाय श्रेया घोषल। वाजिद ने उन्हें कंपनी दी है बट श्रेयस वोकल्स एंड द म्यूजिकल अरेंजमेंट्स आर द यूएसपी ऑफ दिस सॉन्ग। टाइटल सॉन्ग को बहुत मजे लेकर गाया है वाजिद ने विद गुड सपोर्ट फ्रॉम कीर्ति सागटिया। इसका म्यूजिक कड़क और फुट टैपिंग है। ओवरऑल बुलेट राजा का म्यूजिक अच्छा है। दोस्तों, दैट वॉज माई रिव्यू ऑफ बुलेट राजा, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है, कहीं मत जाइए। मैं अभी हाजिर होता हूँ विद द वर्डिक्ट ऑफ बुलेट राजा एंड द रिव्यू ऑफ डिलीवरी मैन।
वेलकम बैक फ्रेंड्स, जूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया बुलेट राजा का मेरा रिव्यू, लेकिन क्या ऑडियंस भी तमंचे पे डिस्को करेगी और विल बुलेट राजा शूट ब्लैंक्स एट द बॉक्स ऑफिस, ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट। बुलेट राजा एक एक्शन फिल्म है एंड एक्शन इज क्लियरली द यूएसपी। फिल्म काफी पेसी है एंड डजंट ड्रैग एट ऑल। फिल्म की कहानी बहुत बेसिक है, नो हिंट ऑफ इनोवेशन हियर। स्टोरी में काफी सारे लूपहोल्स हैं एंड सम सब प्लॉट्स वर अवॉइडेबल। एक्शन सीन्स इंपैक्टफुल और बैकग्राउंड म्यूजिक अपीलिंग है। सेफ, जिमी एंड विद्युत हैव गिवन गुड परफॉर्मेंसेस बट नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हियर। स्टोरी और स्क्रीन प्ले की खामियां साफ नजर आती है एंड वाइप ऑफ द शीन ऑफ दिस फिल्म। क्लाइमैक्स भी अब्रप्ट और प्रेडिक्टेबल है। मेरे हिसाब से इस बुलेट का निशाना चूक गया है एंड यू माइट बी बेटर ऑफ डॉजिंग इट। बुलेट राजा को मैं देता हूँ 2.5 स्टार्स। हॉलीवुड की तरफ से हो रही है कॉमेडी और ड्रामा की डिलीवरी इन डिलीवरी मैन। इस फिल्म में लीड रोल्स निभा रहे हैं विंस वॉन, क्रिस प्रैट और कोबी स्मल्डर्स। फिल्म के को राइटर और डायरेक्टर हैं केन स्कॉट। विल डिलीवरी मैन डिलीवर अस फ्रॉम द इविल्स ऑफ बोर्डम और लीड अस टू इट? चलिए पता लगाते हैं। डेविड वॉजनियाक एक लूजर है जो अपने फैमिली के मीट शॉप में काम करता है। ही हैज अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग इररिस्पॉन्सिबल एंड हिज गर्लफ्रेंड इज हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट हिम। डेविड ने $80,000 का लोन लिया है जो वो चुका नहीं पा रहा है। ऑल्सो ही गेट्स टू नो दैट ही इज द बायोलॉजिकल फादर ऑफ 533 चिल्ड्रन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एनोनिमस स्पर्म डोनेशंस व्हिच ही मेड सेवरल इयर्स अगो अंडर द आइडेंटिटी ऑफ स्टारबक। अब प्रॉब्लम ये है कि आउट ऑफ द 533 किड्स 142 ऑफ देम वांट टू नो हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड दे फाइल अ लॉसूट। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाती है बट शी डजंट बिलीव दैट ही विल मेक अ गुड फादर। अब इन सारे प्रॉब्लम से डेविड किस तरह डील करता है फॉर्म्स अ प्लॉट ऑफ डिलीवरी मैन। डिलीवरी मैन और बॉलीवुड फिल्म विकी डोनर दोनों की इंस्पिरेशन है द फ्रेंच कैनेडियन फिल्म स्टारबक। जहां विकी डोनर में काफी सारा ह्यूमर और मेमोरेबल कैरेक्टर्स थे, डिलीवरी मैन इज फाउंड वॉन्टिंग। विंस वॉन इज इजी गोइंग एंड लाइकेबल व्हाइल द प्रीटी कोबी स्मल्डर्स इज अंडर यूटिलाइज्ड। फिल्म का इमोशनल कंटेंट अच्छा है एंड इज वेल बैलेंस्ड विद द ह्यूमर, लेकिन द फिल्म लैक्स द पंच एंड फेल्स टू एंगेज। द स्टोरी इज एज प्रेडिक्टेबल एज अ 30-मिनट पिज्जा डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, डिलीवरी मैन डजंट क्वाइट डिलीवर द गुड्स। यू आर बेटर ऑफ डोनेटिंग योर टाइम टू रिपीट व्यूइंग ऑफ विकी डोनर। डिलीवरी मैन को मैं देता हूँ 2 स्टार्स। दोस्तों अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। कॉलेज बेस्ड रोमांटिक फिल्म यारियां जल्द रिलीज होने वाली है। ABCD को गाया है बेनी दयाल और शेफाली अल्वारिस ने, वॉल द रैप पोर्शन संग बाय योयो हनी सिंह। गाने का फुट टैपिंग और कैची म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। लिरिक्स पे अमिताभ भट्टाचार्य काफी कूल और यूथफुल हैं एंड विल अपील टू द यंग जनरेशन। ये गाना एंजॉयबल है। शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा पहली बार नजर आएंगे इन द सून टू बी रिलीज आर राजकुमार। धोखाधड़ी एक रोमांटिक गाना है जिसका सॉफ्ट मेलोडियस म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। इस प्यारे गाने के वोकल्स दिए हैं अरिजीत सिंह और पलक मुछल ने एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। दिस सॉन्ग इज इजी ऑन द इयर्स एंड वेरी लाइकेबल। दोस्तों ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में, वी शैल फाइंड आउट। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। इट वाज ओके, आई मीन आई एक्सपेक्टेड मच मोर फ्रॉम दिग्मांशु। सैफ अली का ही पूरा मूवी सैफ अली के ऊपर ही है, उसी का काम अच्छा है पूरा, बाकी इतना कुछ खास नहीं है। एंडिंग भी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं लगा फिल्म का, मतलब कुछ मसाला नहीं है फिल्म में। ठीक थी, ज्यादा अच्छी नहीं थी। 2.5 or something because direction was quite weak. And now it's time हमारे अगले सेगमेंट का, टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 4 पर है क्रिश 3, जिसने अपने चौथे हफ्ते में ₹2.6 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 700 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹196.92 करोड़। नंबर 3 पर है गोरी तेरे प्यार में, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹13 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1200 थिएटर्स में चल रही है। नंबर 2 पर है गोलियों की रासलीला रामलीला, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में ₹21.25 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1500 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन ₹92 करोड़। और नंबर 1 पर है सिंह साहब द ग्रेट, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹22 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 2000 थिएटर्स में चल रही है। इस हफ्ते रिलीज हुई बुलेट राजा को 40% की ओपनिंग मिली है। ये फिल्म 2000 थिएटर्स में चल रही है। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। बुलेट राजा को मैंने दिए 2.5 स्टार्स और डिलीवरी मैन को मैंने दिए 2 स्टार्स। दोस्तों अपने रेटिंग भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। गोरी तेरे प्यार में को मैंने दिए 3.5 स्टार्स और आपने भी दिए 3.5 स्टार्स।
सिंह साहब द ग्रेट को मैंने दिए 2 स्टार्स और आपने दिए 3.5 स्टार्स। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। प्लीज सेंड अस योर फीडबैक ऑन ट्विटर @ZoomTV एंड facebook.com/ZoomTV. नाउ यू कैन ऑल्सो वॉच आर एपिसोड्स ऑन youtube.com/ZoomTV एंड dailymotion.com/ZoomTV. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter @ZoomTV with #ZoomReview. Please put your hands together for last week's contest winner, Dharma Mehta. Dharma ko mauka mila to watch Bullet Raja with me, and now he's going to share his views with us here in the Zoom studio. Welcome, Dharma. Thank you. You watched Bullet Raja with me last night. How was the experience? It was a good experience. What are your views on the movie? Well, there were 2 bad things and 2 good things about the movie. First of all, I didn't like the song at all. Second bad thing which I didn't like about the movie was there's some sort of impact on audience. I didn't feel that impact. And what are the 2 good things? The first good thing is the action. Second thing I liked was I liked the story. I liked few dialogues in the movie. Yeah, so what would you rate the movie? I would rate it 3 stars out of 5. 3, you mean watchable? Yes, it is watchable. Thank you for coming. थैंक यू धर्मा। दोस्तों, आप भी धर्मा मेहता की तरह मेरे साथ फिल्म रिव्यू कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज सेंड मी योर रिव्यूज ऑफ द लेटेस्ट फिल्म्स ऑन ट्विटर विद #ZoomReview। द बेस्ट एंट्री विल बी चोजन बाय मी एज द विनर। सो गेट क्रिएटिव एंड गेट क्रैकिंग। दोस्तों, आज का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन नेक्स्ट वीक, क्योंकि आई विल बी बैक विद अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द जूम रिव्यू शो। तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूँ आपका फ्रेंड उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।